नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल पुंटी टेक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इन्वर्टर की बहुत ही ज़रूरी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जिसे लगभग 90% लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों उस सेटिंग के लिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आज मैं आपको इन्वर्टर की पूरी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो बेल का आइकन है दोस्तों उसे भी दबाना न भूले, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों अब आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों यह है हमारा इन्वर्टर सुकैम कंपनी का, आज इसी की सेटिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों लगभग सभी इन्वर्टर की एक ही सेटिंग होती है। देखिए दोस्तों यह है इसका ऑन ऑफ स्विच। दोस्तों जो सेटिंग है इसकी मेन वो इसके पीछे की साइड है। देखिए दोस्तों आज जिस सेटिंग के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, देखिए सबसे पीछे मैं आपके इसके पैनल में क्या क्या होता है आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पर आपको जो आपको आउटपुट मिलती है वो यहाँ पर मिलती है, ये लिखा हुआ आउटपुट। देखिए दोस्तों आपको सबसे ऊपर एक बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए ऊपर की साइड WUPS और नीचे UPS, और इधर साइड में देखिए दोस्तों एक स्विच है, इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। दोस्तों आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा मैं इनके बारे में। देखिए नीचे फ्यूज़ है यहाँ पर, और ये AC इनपुट, और ये इसका DC का प्लस, और ये माइनस, और ये इसका फैन। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस स्विच के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों सबसे ऊपर लिखा हुआ SMF, दोस्तों इसका मतलब होता है अगर आप अपने इन्वर्टर को सूखी बैटरी जिसमें तेजाब नहीं डलता आप उस पर लगा रहे हैं, तो आपको दोस्तों सबसे ऊपर इस स्विच को आपको यहाँ पर रखना होगा। और दोस्तों अगर आप ट्यूबलर यूज कर रहे हैं, जो लंबे वाला ऊँचे वाला ट्यूबलर होता है, तो आपको यहाँ पर यूज रखना है इस स्विच को। और अगर आप ट्यूबलर यूज कर रहे हैं, जो नीचे पड़ा हुआ ट्यूबलर होता है, उसे यहाँ पर रखना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपके पास जो भी बैटरा हो आप उसी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आपके पड़ा हुआ ट्यूबलर तो आप यहाँ रखिए, और खड़ा ट्यूबलर है तो आप इसे यहाँ रखिए, और अगर आपके पास सूखी बैटरी है जिसमें तेजाब नहीं डलता तो आप यहाँ रख सकिए। अब दोस्तों अब जिसकी दूसरी सेटिंग है जो सबसे ज़रूरी, उसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों ये आप स्विच देख सकते हैं, ऊपर की साइड WUPS और नीचे UPS, इसका मतलब है दोस्तों ये सबसे ज़रूरी सेटिंग है इन्वर्टर में आपके। दोस्तों अगर आप इसे यूज कर रहे हैं इन्वर्टर को, अगर आप अपने कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पर नीचे की साइड रखना है इसे UPS पर। अगर आप कंप्यूटर नहीं यूज कर रहे हैं, वैसे यूज कर रहे हैं इसे अपने घर में TV के ये लिए, पंख फैन वगैरह के लिए, तो आप इसे यहाँ पर रख सकते हैं WUPS। दोस्तों जो पहले इन्वर्टर आते थे उनमें स्विच नहीं आता था, लेकिन अब ये किस लिए दिया गया है मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो उसमें लगभग आपको 200 वोल्ट लगातार ज़रूरत पड़ती है। अगर दोस्तों 180 से नीचे आ जाती है वोल्ट, तो आपका जो कंप्यूटर है वो रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है, आपके कंप्यूटर में झटका लग जाता है लाइट का, वो बंद हो जाता है। इसलिए दोस्तों इसमें ये स्विच दिया गया है, अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आपको नीचे UPS पर रखना है इसे। दोस्तों इस स्विच के बारे में एक ज़रूरी और जानकारी आपको दे दूं। देखिए दोस्तों अगर आप इसे WUPS पर रखेंगे तो आपके घर में जितनी भी लाइट आ रही है, चाहे वो 150 हो या 200 हो या उससे कम हो, तो आपका इन्वर्टर चार्ज करता रहेगा आपके बैटरी को दोस्तों। लेकिन अगर आप इसे इस पर कर देंगे तो आप देखेंगे अगर आपके घर में 180 वोल्ट से कम हो जाती है तो दोस्तों इन्वर्टर अपने आप इन्वर्टर मोड पर चला जाएगा। दोस्तों अगर आप इसे UPS पर रखेंगे तो आपके इन्वर्टर को लगातार 180 वोल्ट से ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए दोस्तों आप अगर अपने इन्वर्टर पर आप कंप्यूटर चला रहे हैं तभी आप इसे UPS पर करें, अगर नहीं चला रहे तो आप WUPS पर रखें। और दोस्तों इसके नीचे है फ्यूज। दोस्तों अगर आपका फ्यूज ख़राब हो जाता है तो आपका इन्वर्टर चार्जिंग बंद कर देता है, तो आपको क्या करना है, अपना फ्यूज चेंज करने के लिए इसे ऐसे घुमाना है, इसे खोल लेना है यहाँ से। देखिए दोस्तों इसके अंदर ये फ्यूज़ है, आप इसे निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों इसके अंदर एक तार होता है, अगर ये तार जल जाती है तो ये फ्यूज ख़राब हो जाता है, आप इसे निकाल करके दूसरा फ्यूज इसके अंदर लगा करके आप इसे बंद ऐसे बंद कर देते हैं। दोस्तों जो सबसे ज़रूरी सेटिंग है वो आपको इसका ध्यान रखना है, WUPS और UPS। अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो आपको UPS पर रखना है, अगर नहीं करते हैं तो आप हमेशा इसे WUPS पर रखें।
क्योंकि दोस्तों अगर आपके घर में 200 से 150 वोल्ट लाइट हो गई है तो 20 पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये तब भी आपके बैटरी को चार्ज करता रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने ये UPS पर कर दिया है तो जब भी आपके घर में 150 से 180 वोल्ट से कम लाइट होगी ये अपने आप इन्वर्टर मोड पर चला जाएगा। दोस्तों जितने भी इन्वर्टर है सभी में लगभग एक ही सेटिंग है। दोस्तों अगर आज आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों।